बिल्कुल, मेरे सहयोगी रवि यहाँ पर कुछ अपडेट यहाँ पर देना चाहते हैं खास। जी रवि। सबीना, आपको बता दूं कि यूक्रेन एम्बेसी के बाहर मौजूद हैं और देखिए लोग आना यहाँ पे शुरू हो गए हैं। यूपी के एटा से ये लोग आए हुए हैं यहाँ पर, इनके भाई फंसे हुए हैं वहां पर, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर आशीष शाक्या है। कौन वहाँ पे यूक्रेन में फंसा हुआ है? मेरा छोटा भाई वहाँ पर है अभी। हाँ, तो कहाँ पे है, क्या है? वो वहाँ पर डिनप्रिस्को मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। अच्छा, हाँ जी। तो कोई बातचीत हुई आपके अंदर? हाँ जी, हाँ जी, मेरी उससे बात हो रही है। भाई से आप फोन पे बातचीत कर सकते हैं अभी? हाँ जी, कोशिश करिए। तब तक आप आपकी बात हुई तो क्या कहा था उन्होंने? वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे रोमानिया के लिए बस द्वारा ले जाया जाएगा शाम तक। और बहुत डरे हुए हैं वहाँ, जो सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, लगातार बमबारी हो रही है, जो एयरबेस पे जो हमला कर रहे हैं वहाँ, और भी स्टूडेंट हैं उसके साथ के हैं, हमारे और भी मित्र लोग हैं वहाँ फंसे हुए हैं, बहुत परेशान हैं वो, लगातार बात। सबीना, एक स्टूडेंट जो सीधा यूक्रेन में है उससे हम फोन पे आपको सीधा स्पीकर ऑन करते हैं, वो क्या कहता है? हाँ, बात करिए आप। हेलो कृष्णा, हेलो हेलो, फोन फिर से कनेक्ट हो रही है, दोबारा फोन मिलाने की कोशिश करते हैं। वो वहां पे फंसा हुआ है, किस तरह के हालात है सबीना ये दिखाएंगे। तो ये परिवार वाले हैं, तो वहां पे उन्होंने क्या कहा है? हेलो, क्या कहा है उन्होंने कि उनको किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अभी तो दिक्कत नहीं है, लेकिन डरे हुए हैं जिस तरह से माहौल है। ये क्या नाम है आपका? अभिषेक, आप अभी कहाँ पर हैं? मैं डनेप्रोपेट्रोव्स्क सिटी है यूक्रेन में। अच्छा, हाँ, तो वहाँ पे अभी क्या हालात हैं, युद्ध हो रहा है, क्या आप देख पा रहे हैं अपने आसपास? अभी तो यहाँ नॉर्मल है युद्ध, अभी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो कोई हालात नहीं है युद्ध का, लेकिन इमरजेंसी है, रात में 10 से 6 कर्फ्यू लग जाता है। और एम्बेसी की तरफ से आपको क्या कहा गया है, कब आप लौटेंगे, आपके बारे में क्या इंतजाम किया गया वहाँ पे? एम्बेसी की तरफ से किया जा रहा है कि हमको बॉर्डर पे ले आया जा सकता है 1-2 दिन में। देखो, और कितने लोग आपके साथ वहाँ पर फंसे हुए हैं? है करीब 400-500 तो है। 400-500 लोग आप हैं, तो आपको कहाँ ठहराया गया है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है वहाँ पर? खाने पीने का तो अभी सब खुला हुआ है, लेकिन हम लोगों को ये बोल दिया गया है कि जाके सब एक बार में ले आओ, और हम सब हॉस्टल में रुके हैं, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर सर है उन्होंने दिया है। अच्छा, और अभी कोई डर, कोई खौफ आप, क्योंकि जो 400-500 बच्चे हैं, जाहिर सी बात है युद्ध हो रहा है, अपने मुल्क से आप दूर हैं, डर खौफ वैसा तो नहीं है कि कोई कुछ कर रहा है, लेकिन बस ये है कि कहीं कुछ, मतलब कुछ, अब यहाँ तो कुछ पता नहीं ना कि क्या हो रहा, क्या होता है क्या नहीं। तो ये जो एम्बेसी है इंडिया की वहाँ पे, वो लोग फोन उठा रहे हैं आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, मतलब कोई समस्या हो, कोई चिंता हो? फोन तो उठा रहे हैं, बातचीत हो रही है एम्बेसी में। ठीक है, आप थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, कोशिशें की जा रही हैं। तो सबीना, ये है वहाँ पे लोग बने हुए हैं, हालात डरे हुए हैं, आगे क्या होगा, इस युद्ध का अंजाम कैसे होगा, कब वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं यूक्रेन एम्बेसी के बाहर। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे डॉक्टर फॉलिका, जो यूक्रेन के एम्बेसडर भारत में है, वो आए थे, बातचीत मीडिया से उन्होंने किसी तरह से बिल्कुल नहीं की, हमने सवाल पूछे आगे क्या होगा, आप ब्रीफिंग करेंगे, कोई जवाब नहीं दिया। तो यही है, जितने भी परिजन यहाँ पे